अगर स्पर्म मील हो तो क्या पुरुष पति बन सकते हैं? पुरुषों में इस बात की काफी चिंता बनी रहती है कि उसके स्पर्म काउंट में काफी जो है पैरामीटर्स काफी दिक्कत है, वो पिता नहीं बन सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। और आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या अगर स्पर्म मील हो उसका तो क्या वो पिता बन सकते हैं और कौन से प्रोसेस से वो पिता बन सकते हैं। मैं डॉक्टर रेणु प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल आस्था। आज की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी जो है हम उसे अपने उपयोग में ला रहे हैं। आज अगर किसी भी पुरुष में स्पर्म काउंट अगर नील देखा जाता है तो सबसे पहले हम उन कारणों का पता करते हैं कि ये जो नील स्पर्म है उसके कारण क्या है। उसका कारण काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो कारण है वो ट्रीटेबल है कि नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो इंटरफेयर है, या तो फिर उसका इजेकुलेटरी फंक्शन में प्रॉब्लम है, या लोकल जो है वो टेस्टिकुलर एरिया में कुछ इन्फेक्शन है। पहले तो हम कारण को ट्रीट करते हैं, जो भी कारण है उसको हम मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नील है, तब हमारे पास आती है एक टेक्नोलॉजी जिसे ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें एक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक नीडल के सहारे हम स्पर्म को उसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उस ट्यूब्यूल को हम लोग इजेकुलेटरी डक्ट से हम लोग ऑपरेशन के सहारे बाहर निकालते हैं और फिर हम उसमें से जो स्पर्म जो इफेक्टिव होता है, मोटाइल होता है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, उसको हम IVF के टेक्नोलॉजी के द्वारा हम स्पर्म में इंजेक्ट करते हैं और उसे हम गुड क्वालिटी का फ्रूटफुल एक इम्ब्रियो बनाते हैं और फिर अब उसे हम इम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उनकी जो पत्नी है उन महिलाओं में। तो हम बात करेंगे कि नील स्पर्म में भी पुरुष पति बन सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ ICSI। अब हम बात करेंगे कि जो लोग अगर IVF के इतने खर्च नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि IVF निश्चित रूप से खर्चीला प्रोसेस है, तो जब हम ये पता करते हैं कि जो फीमेल पार्टनर है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसका ओवुलेशन काफी बढ़िया है, उसका ट्यूब पेटेंट है और साथ ही साथ यूट्रस बिल्कुल ही नॉर्मल है, और वैसे कंडीशन में अगर पति के स्पर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अकॉर्डिंगली पहले हम ट्रीट करते हैं। कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, मेडिसिन हम 3 से 6 महीने तक देते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें जो काउंट अगर बढ़ती है तो उसके बाद हम उसे IUI के प्रोसेस में लेते हैं, स्पर्म को हम सेंट्रीफ्यूज करके गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है हम सेपरेट करते हैं और उसको हम थ्रू IUI कैनुला हम उसे यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं आफ्टर फुल प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल। महिलाओं को पूरी तरह हम जो है अंडे बनने की दवा दे करके और बाकी चीज को ट्रीट करते हुए हम IUI करके करते हैं। लेकिन अगर दवाई देने के बावजूद भी, सर्जिकल इंटरवेंशन के बावजूद भी अगर स्पर्म काउंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तब हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस आता है। जब सारी प्रक्रियाएं फेल हो जाती है तब हम डोनर स्पर्म का सिलेक्शन करते हैं। हम काउंसिल करते हैं कि अब आपके पास बस एक ऑप्शन बच जाता है पिता बनने के लिए कि स्पर्म को डोनर से जो है हम लोग ले और उसके इंसेमिनेट करें, ताकि सोशली हम एक जो पिता है वो हम सोसाइटी में अपने आप को उस रूप में प्रेजेंट कर सके। और ये सीक्रेसी रहती है IVF सेंटर्स की और इस प्रोसेस से हम उसे एक पिता बनने का जो सुख है वो हम दे पाते हैं। धन्यवाद।